मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को दतिया पहुँचे। दतिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हवाई पट्टी पर जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आगवानी कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री पीताम्बरा पीठ पहुंचकर सपरिवार पूजा अर्चना की। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ने मां पीताम्बरा से चौथी बार मध्य प्रदेश में जीत की अर्जी लगाई। मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना कर रहे के पश्चात मीडिया से चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि माई के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री के साथ पत्नी साधना सिंह और पुत्र कार्तिकेय भी साथ रहे। हम सब पर बना रहे, मध्य प्रदेश की जनता पर बना रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी की प्रार्थना बार बार माई से करता हूँ और आज भी उनके चरणों की कृपा प्राप्त करने मध्य प्रदेश के कल्याण और विकास का आशीर्वाद लेने आया। ये सर्वे आए हैं, इनसे क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जरूरी है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए और माताओं बहनों के लिए, और सबका प्यार और आशीर्वाद मिला है, माई की कृपा है, भारतीय जनता पार्टी जीत। सर्वे गलत निकलेंगे। दरबार में शिवराज सिंह चौहान जी अक्सर आते रहते हैं, माई के भक्त हैं और अपने प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि के लिए एवं अपनी पार्टी की विजय की कामना के लिए माई के दरबार में हाजिरी लगाने आए थे। क्या खास कहा जा सकता है इस अर्जी को? नहीं, विजय की कामना से अर्जी लगाने आए। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर भी राजस्थान में मुख्यमंत्री श्रीमती राजे यहाँ पर आती रहती हैं, वह भी यहाँ पर आई, वो उन्होंने भी कुछ कामना की है क्या? माननीय राजे जी पीताम्बरा पीठ ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं और इसी हैसियत से उनका अक्सर आना जाना रहता है, उनके लिए तो सामान सी बात।